रिप्रेजेंटिंग 3D फिगर्स इनटू 2D। इसमें हमने काफी चीजें सीखी। फिर हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ये हमने सीखा था। इसको हमने ड्रॉ करना सीखा था। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के तीन व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू मतलब सामने से देख रहे हैं आप, साइड व्यू साइड से देख रहे हैं एंड टॉप व्यू। नाउ इसको हम ड्रॉ करना सीखते हैं डिफरेंट एंगल से, ओके हर शेप को। जब हमने शेडो फॉर्म की थी, जैसे हमने कैंडल एक्टिविटी या टॉर्च एक्टिविटी की थी किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तीन साइड से हमने उसको वो किया था तो कुछ शेडोज हमको मिली थी। सिमिलरली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, तो जब हम फ्रंट से करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्रंट एलिवेशन जब उसको ड्रॉ करते हैं। और द व्यू सीन फ्रॉम द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइड एलिवेशन। एंड सिमिलरली जब उस व्यू को हम देखते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम प्लेन कहते हैं। ओके, तो लेट अस ट्राई टू गेट फ्रॉम गेट फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन एंड प्लेन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। हमने कुछ क्यूब्स लिए हैं, हमने अलग अलग और भी सारी चीजें ली है, उसको हम देखेंगे। सपोज ये क्यूब से मिलाकर हमने एक सॉलिड फिगर हमारे पास रखा है, थ्री क्यूब्स बने हुए, 1, 2, 3। ओके, अब इन क्यूब्स को देखते हैं, अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें सिर्फ इस तरीके से दिखाई देता है, अगर साइड से देखते हैं तो आपको सिर्फ 2 दिखाई देंगे। ओके, इधर से भी देखेंगे साइड से 2, इधर से भी देखेंगे 2 दिखाई देंगे, और टॉप से देखेंगे तो आपको ये और ये दिखता है, 2 दिखता है। ठीक है, इस क्यूबॉइड को देखते हैं, है ना, बॉक्स है आपका क्यूबॉइड, में आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, बट साइड से देख रहे हैं तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और टॉप से देखेंगे प्लेन व्यू तो आपको फिर से एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये आपके पास एक पानी का गिलास है, ओके, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। अगर आप ये देखते हैं तो आपको एक ट्रैपेजियम दिख रहा है, साइड से, फ्रंट से, साइड से भी ट्रैपेजियम दिख रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, क्योंकि ग्लास जो है ऊपर से सर्कुलर रहता है। हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म को हमने फ्रंट से देखा तो हमको क्या मिला, यहां पर इसका जो बेस मिल रहा है हमको ये दिख रहा है, देन हमको उधर दूसरी साइड से देखा तो भी हमको ये मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसका बेस या फिर इसका टॉप देखते हैं तो टॉप हमारा इसका ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अलग अलग क्यूब्स मिलाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यूब से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम जब फ्रंट से देखते हैं तो सेम नंबर ऑफ क्यूब्स वी कैन सी, बट जब साइड से देखते हैं तो या तो इधर से 1 या 2 दिखेगा या इधर से 1 या 2 दिखेगा, तो 2। टॉप से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 दिखेगा, 1, 2, 3, 4। ओके, इसको आप ध्यान से समझ कर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 4.4। ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन एंड प्लेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इसको आप देखते हैं तो आप जब भी देखेंगे, आप चाहे फ्रंट से देखिए, चाहे साइड से, चाहे टॉप से, आपको हमेशा एक सर्कल दिखाई देगा। अगर इस कोन को देखते हैं साइड से तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा विद सम कर्व्ड लाइन, और फ्रंट से या साइड से, लेकिन टॉप से देखते हैं तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल के बीच में एक पॉइंट दिखाई देगा जो कि इसका ये वर्टेक्स है। ओके, इसको भी आप काउंट करेंगे फ्रंट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्यूब्स एज इट इज दिखाई देंगे, और साइड से देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 दिखेंगे, लेकिन टॉप से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लाइंस आपको दिखेंगे। सिमिलरली यहां पर फ्रंट से ये 5 दिख जाएंगे, साइड से 1, 2, 3, टॉप से 1, 2, 3। यहां पर फ्रंट से देखेंगे तो ट्राइंगल दिखाई देगा, साइड से ट्राइंगल दिखाई देगा, एंड टॉप से देखेंगे तो एक स्क्वेयर और उसके बीच में एक पॉइंट, इसका वर्टेक्स। ओके, क्योंकि इसका बेस स्क्वेयर का है। सिमिलरली जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको दिखता है ये फिगर, ये फिगर आपका फ्रंट से आएगा, साइड से देखेंगे तो आपको 1, 2, 3 एंड 4 ये चीजें दिखाई देगी, टॉप से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। ओके, नाउ यू कैन ड्रॉ फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन एंड टॉप एलिवेशन, दैट इज प्लेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम इसको भी यही करेंगे, एक रेक्टेंगल उसके ऊपर ट्राइंगल, ये फ्रंट, सेम यही साइड से, टॉप से देखने पे आपको एक स्क्वेयर या रेक्टेंगल और उसके ऊपर आपको एक पॉइंट, सेम इसको। ये तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए जब आपने ये सब कर लिया है तो। ओके, तो एक एक्टिविटी करेंगे आप,
स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स के एज को कट करना है, ओके, और उसको फ्लैट करना है उस क्यूबॉइड या क्यूब के नेट को, ओके। फिर आपको सिमिलर नेट ड्रॉ करनी है अपने एक शीट पर पेपर से और उसको फोल्ड करके वापस क्यूब या क्यूबॉइड बनाना है, ओके। इसको हम इस तरीके से देखें कि आपके पास शू का बॉक्स है, उस शू के बॉक्स को खोलकर या कोई भी दूसरा बॉक्स आता है, पेस्ट्री का बॉक्स आता है, उसको खोलकर आपको उसकी नेट बनाना है, नेट ड्रॉ देखना करना है, उसके हिसाब से प्लेन शीट पे फिर से आपको उसको ड्रॉ करना है और उसको फोल्ड करके वापस वैसा ही बॉक्स बनाना है। ड्रॉ एंड कट नेट्स ऑफ वेरियस सॉलिड फिगर्स, एक्सप्लेन दिस लेसन एंड फोल्ड देम टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉलिड फिगर्स। आप अलग अलग सॉलिड फिगर्स बनाइए, इसमें आप कैप बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बनाइए। कुछ चीजें हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, किसी भी शेप और फिगर्स जिसका वन डायमेंशन होता है उसको 1D बोलते हैं, 2D टू डायमेंशंस एंड 3D थ्री डायमेंशंस, ओके। फ्लैट सरफेस जो सॉलिड की होती है उसको फेस बोलते हैं, लाइंस जहां इंटरसेक्ट होती है उनको एज बोलते हैं, उन फेसेस को जहां मैच करते हैं, और जहां पर वो कॉर्नर आता है, पॉइंट आता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन मतलब जो स्ट्रेट लाइन फिगर्स होते हैं, जो स्ट्रेट एजेस होती हैं, जिसकी कर्व नहीं होती, सीधी सीधी लाइंस होती हैं, उनको पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। अगर उनकी हम फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस काउंट करके उसको रूल में लाते हैं, यूलर्स रूल में, तो फेस माइनस एजेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 हमेशा हमको आंसर मिलता है। ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। वी कैन बिल्ड नेट्स ऑफ 3D शेप्स, हम 3D शेप्स को बिल्ड कर सकते हैं अगर हम उनकी नेट को फ्लैट शेप में लाएं और उसको वापस फोल्ड करें सॉलिड शेप में। हम 2D स्केच ड्रॉ कर सकते हैं 3D फिगर्स का, हमने ऑब्लिक और सिमेट्रिक स्केच ड्रॉ किए थे। ऑब्लिक स्केच जो होते हैं वह किसी प्रोपोर्शनल लेंथ में नहीं होते हैं, एंड आइसोमेट्रिक स्केच जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल लेंथ में होते हैं, डॉट पेपर में होते हैं, और ऑब्लिक जो है स्क्वायर पेपर पे रहते हैं। वी कैन व्यू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज, हम कैसे कर सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन या फिर डिफरेंट एंगल से कर सकते हैं, उनका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, दैट इज प्लेन, एंड बाय कास्टिंग शेडो, हम उसकी शेडो बनाकर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है और इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ट्राई टू डू दिस लेसन इन योर रजिस्टर वेरी वेरी सून, ओके।